आज का वीडियो बिल्कुल अलग है और एकदम खास है। आज तक जितना वीडियो अपलोड किया हूं उससे अलग वीडियो है। इस बेनर डील कप सिरप के बारे में भी आगे बता दूंगा, पहले कुछ अलग बताता हूं दोस्तों। देखिए क्या है दोस्तों कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस रहता है कि आपको एक सही जानकारी देना और मैं सही जानकारी आपको देता भी हूं। कोई भी मुझसे बहस करता है मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं हम लोग जेनरिक और ब्रांडेड के बारे में। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जेनरिक दवाइयों की एमआरपी ज्यादातर मामलों में इतनी हाई हो जाती है दोस्तों कि उससे कहीं कम में आपको ब्रांडेड दवाइयां मिल जाती हैं। दोस्तों देखिए, सपोज है कोई जेनरिक दवाई उसकी एमआरपी अगर 200 रुपए है और कोई किसी ब्रांडेड दवा की एमआरपी जो है 100 रुपए है या 120 रुपए है। सोचिए अगर आपको जो है कोई जेनरिक दवा जो है अगर 50% डिस्काउंट पे भी मिला तो समझ लीजिए कि वह ब्रांडेड के ही रेट में मिल गया आपको। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप जेनरिक दवा भी खा रहे हैं, एमआरपी पे पैसा दे रहे हैं दोस्तों, ब्रांडेड की तुलना में देखा जाए तो आपको आपको रेट भी वही पड़ रहा है और जो है आप ठगे भी जा रहे हैं। तो जब भी आप दवा खरीदे तो आप उसका कंपटीटर ब्रांड जरूर देखिए। मैं अपने सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, यह चीज दिखा भी देता हूँ कि देखिए यह जेनरिक दवा है, यह आपको इस रेट में मिलेगा, इसकी एमआरपी इतनी हाई है, अगर आप चाहें तो इससे सस्ती एमआरपी की भी दवा ले सकते हैं। कंपटीटर जरूर देखिए दोस्तों, आप मेडिकल स्टोर से डॉक्टर से अपने जरूर बात करिए कि जो सबसे सस्ती एमआरपी की दवा उसको लीजिए। एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं गया एक दवा लेने के लिए एक सिरप, तो मैंने जब मेडिकल पर गया तो जो मैंने पहले उसको देख लिया उसका कंपटीटर क्या सबसे सस्ता एमआरपी क्या, मैंने सर्च करके देख लिया गूगल से। तो दोस्तों जब देखा तो मुझे एक कंपनी की दवा सबसे सस्ती दिखी। जब मैं मेडिकल पर गया तो वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि वो मेडिकल वाला मुझे हाई एमआरपी की दवा दे रहा था उसी साइड कंपोजिशन में। खैर उनके पास वो दवा नहीं थी, खत्म हो गया तो वो दवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने भी अपने सुविधा अनुसार देखा वहां नहीं तो मैं कहीं और से ले लिया दोस्तों। मैं वही दवा लिया जो मैं सर्च कर रहा था, जिसको मैंने जो गूगल से निकाला था सबसे सस्ती एमआरपी की। तो दोस्तों देखिए क्या है, महंगी एमआरपी की दवाइयां क्या दोस्तों काम सभी दवाइयां करेंगी, चाहे जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो चाहे मोनोपोली हो। ब्रांडेड देखिए जो महंगी एमआरपी की दवाइयां होती है दोस्तों उसमें मेडिकल स्टोर वाले का या कहते हैं डॉक्टर को ज्यादा मार्जिन होगा। आप सोचिए कोई दवा की एमआरपी 100 रुपए है और किसी दवा की उसी साल्ट कंपोजिशन उसी दवा की एमआरपी जो है 50-60 रुपए है। अगर किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले को 20% का भी मार्जिन हुआ तो 100 का 20% यानी 20% सीधा सीधा मार्जिन हुआ, वही दवा 50-60 रुपए में है दोस्तों एमआरपी। अगर उसको 20% मार्जिन हुआ तो 10-12 रुपए ही मार्जिन हुआ, तो कोई क्यों सस्ती एमआरपी की दवा बेचेगा, सीधा सा फार्मूला है दोस्तों। तो यही सब जानकारियां होती है जो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों आप जब भी कोई दवा लीजिए तो कंपटीटर जरूर देखिए। अब बात कर लेते हैं किस कप सिरप के बारे में दोस्तों। तो जैसा कि यह देख सकते हैं सर्दी खांसी जुकाम में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और इस पर देखिए लिखा भी हुआ है ब्रांडेड दवा है। देखिए ऐसे तो सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत सारे कप सिरप आते हैं दोस्तों, जिससे किसी को जो है सूखी खांसी आती है या किसी को जो है बलगम वाली खांसी है, सांस फूलना है दोस्तों, तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं किस पेशेंट को कौन सा कप सिरप देता है, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से निर्भर करता है। और हम लोगों को दोस्तों क्या करना है कि अपना जो है एमआरपी वाला फायदा देखना, क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले अपना फायदा देख रहे हैं एमआरपी वाला, तो हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग भी अपना फायदा देखें। तो दोस्तों देखिए बेनाडील कप सिरप की आप बात कर लेते हैं, तो यह कप सिरप जो है जैसा कि इसमें जो साल्ट कंपोजिशन है डिफरेंट हाइड्रामाइन के साथ है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट शामिल है। यह एलर्जी केमिकल को ब्लॉक करके नाक बहना, आंखों से पानी आना और गले में खराश जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करने में काम करता है। यह म्यूकस को भी पतला करने में मदद करता है जिससे यह खांसी को आसान बनाता है दोस्तों। अलग अलग साल्ट कंपोजिशन के जितने भी कप सिरप होते हैं आप जब भी लेते हैं तो उसका कंपटीटर देखिए, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लीजिए। बस हम लोगों को अपना एमआरपी वाला फायदा देखना है जिससे हम सभी लोगों का पैसा बच सके। अगर जानकारी अच्छी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।